करजन विधानसभा के उपचुनाव अंतर्गत जिला चुनाव अधिकारी द्वारा मतदारों के लिए कोरोना वायरस की महामारी अंतर्गत संक्रमण को रोकने के लिए विशेष आयोजन व्यवस्था की सुविधा बढ़ाई गई है। करजन विधानसभा के उपचुनाव 3 नवंबर को होने वाले हैं, तो वहीं कोरोना वायरस की महामारी अंतर्गत मतदान मथक पर स्थित वैसे कर्मचारी अधिकारी और मतदान करने वाले वैसे मतदारों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए जिला चुनाव अधिकारी द्वारा विशेष व्यवस्था बढ़ाई गई है, जिसमें करजन विधानसभा के तमाम मतदान मथकों पर मतदारों के लिए विशेष रूप से पॉलीथीन हाथ मोजा की व्यवस्था बढ़ाई गई है, जिसमें उंगली पर साहिन का निशान करने वाले वैसे दाहिने हाथ पर हाथ मोजा नहीं पहनाया जाएगा, जबकि जिस हाथ से वोट डाला जाएगा वो हाथ पर हाथ मोजा पहनाने की सुविधा बढ़ाई गई है। तो वहीं मतदान मथक पर ऑक्सीमीटर, पल्स मीटर सहित मतदारों का टेम्परेचर जांच के लिए भी विशेष व्यवस्था बढ़ाई गई है। अगर किसी मतदार को बुखार होगा तो उसे मतदान करने से वंचित रखते हुए शाम को 1 घंटे के दौरान उसे मतदान करने की सुविधा दी जाएगी, जहाँ मतदान मथक पर स्थिर वैसे तमाम कर्मचारी अधिकारियों के लिए विशेष रूप से पीपीई किट के साथ हाथ मोजा, ग्लव्स और माथा पर भी टोपी लगाने की व्यवस्था बढ़ाई गई है, जिसकी विशेष जानकारी अधिकारी ने दी थी। आज रोज जिला चूंटणी अधिकारी अने कलेक्टरशीना मार्गदर्शन हेठळ तेमज राज्य सरकार नी इलेक्शन कमीशन नी जे सूचनाओ छे एने ध्यानमां लई अने करजण विधानसभा 147 जी बैठक पर जे इलेक्शन 3/11 रोज छे एने ध्यान में राखी अने कोविड ने लगती जे कई कामगीरी जे इलेक्शन नी सूचनाओ छे एमने ध्यान में राखी अने लगभग हेल्थ डिपार्टमेंट तरफ थी जे वस्तु पूरी पाड़वानी छे ए तात्कालिक धोरणे करजण आजे ज आरओ ने सुपरत करवामां आवशे। तेमां खास करीने पीपीई किट 1000 जेटला नंग अने 363 जेटली थर्मल गन, 311 जेटला पल्स ऑक्सीमीटर, 5000 जेटला सेनिटाइजर अने ट्रिपल लेयर मास्क आश्रे 31100 अने लगभग दरेक मतदार એટલે પોતે જમણા હાથમાં ગ્લોવ્સ પહેરી શકે એવી દરેક બૂથ ઉપર વ્યક્તિગત દરેક મતદારને એક ગ્લોવ્સ મળી શકે, જે પ્લાસ્ટિકને ડિસ્પોઝેબલ ગ્લોવ્સ હોય છે એ 2,04,000 નંગ પણ આપણે આજે સુપરત કર્યા છે। આ બધી જ વસ્તુ અગત્યની છે, કોવિડને ધ્યાનમાં રાખીને ખાસ મતદાતાઓને મારે વિનંતી છે કે માસ્ક પહેરી અને જ મતદાન મથકે પોતે વોટિંગ કરવા આવે અને સાથે સાથે સોશિયલ ડિસ્ટન્સિંગનું પાલન કરે। દરેક મતદાર મથક ઉપર જે તે કર્મચારી દ્વારા સરકારી કર્મચારીઓ અને આશાબેનો જ્યાં કામ કરવા માટે છે એ બધાનું લિસ્ટ સાથે બધાને ત્યાં આપણે ટીમ ઉપર મૂકીએ છીએ, જે બધાનું થર્મલ ગનથી જ્યાં જરૂર પડે ને પલ્સ ઓક્સિમીટર તે બધાનું ટેમ્પરેચર માપશે અને એ પ્રમાણે મતદાનની કાર્યવાહી આગળ વધશે।